मुंब्रा के राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन में धंधा लगाने के लिए जगह को लेकर हंगामा मचा रहा। आज दोपहर के वक्त अरबाज नाम के हॉकर्स ने बताया कि पहले इसका धंधा यहीं पर लगता था, मगर मित्तल में मार्केट जाने के बाद और फिर जब वापस गुलाब पार्क मार्केट में धंधा लगाया जाना शुरू किया गया, उसके बाद इसके जगह में से आधे जगह पर दूसरे लोगों से धंधा लगवा दिया गया। ये भी बताया जा रहा है कि नगर सेवक के लोग हैं जो धंधा लगा रहे हैं। मार्केट में जगह दी गई है और हफ्ता वसूली का भी आरोप लग रहा है। अरबाज का कहना है कि उसकी जगह पीछे की तरफ है और आगे भी धंधा लगाएगा। अरबाज का कहना है कि उसकी धंधा लगाने की जो जगह है वो रोड के तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है, लेकिन उसे आधे में धंधा लगाने दिया गया और आधे में दूसरे लोग धंधा लगा रहे हैं। वहीं राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद ने बताया कि अरबाज ने पीछे की तरफ की जगह खुद भाड़े पर दिया है और अब आगे की जगह के लिए झगड़े कर रहा है। धंधा लगाने के लिए जगह और हफ्ता वसूली को लेकर मोहम्मद इरशाद और अरबाज और अन्य तमाम लोगों में आज दोपहर के वक्त जमकर बहस हुई। आदमी तो फिर सही है ना, उनका आदमी धंधा लगाता तो ठीक है ना, वो भाड़े पे देके छोड़ उनका नहीं लग रहा है, उनका नहीं लग रहा, उनको सिर्फ भाड़ा यार है। क्या एक इसका है, एक इसका है ना, टॉपिक का लगा रहे ना, टॉपिक का ये नहीं बात कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं। हां तो भाड़ू का है ना, लगा रहे ना, पर्चा लगा रहे क्या, लगा रहे नहीं, लगा रहे क्या, फिर लगा रहे ना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधा एक ही मुद्दा है, हमारे को जगह किसने दिया भाई, मेरा जगह किसने दिया, यूनियन ने यूनियन नहीं बना रहे ना, यूनियन मौजूद है, वो जब तुम लोग जब मार्केट से छूट गया जब तुम लोग बोलते हैं हम लोग आए, ठीक है ना, ठीक है ना, तो फिर इतने सालों से 25 साल पहले फिर नगर सेवक के आदमी लोग किधर थे, फिर उन लोग को जगह क्यों आती है, उन लोग को क्यों नहीं दी, किस चीज का सेटलमेंट, हमारे को कुछ खबर नहीं, सेटलमेंट नहीं, सेटलमेंट हमारे को, हम ये सब चीजें कुछ मार्केट में क्या मीटिंग हुई, ऐसी आगे भी तो इनको मालूम है ना, ऐसे सब कभी बोलते हैं, सुन लो तू, तो उनकी सुन लो, मैं क्यों सुनूं, लेकिन ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सुनो इधर पे तरफदारी उसी की चाली हो जो यूनियन का मेंबर है, हमारे साथ लोग सबका घर अच्छा चल रहा है ना, तो लोग इरशाद भाई की तरफदारी करेंगे, नहीं कोई तरफदारी नहीं है, तरफदारी करेंगे, क्यों करेंगे, सुनो ना, नाम क्या, नाम क्या, मेरा नाम अरबाज है भाई, इन लोग सबको कैसे, क्या मामला, क्या हुआ, दुकान लगाने का भाई, जिसकी जिसका हक है उसको दिया नहीं जाता है, ठीक है, यहाँ किसी भलते को जा रहे, किसका है ये भाई, वो तौफिक भाई के नाम का किसी का भाकड़ा चल रहा है, अभी अगर तौफिक भाई खुद धंधा लगा रहे थे ना तो मैं माना रहता कि मैंने तौफिक भाई खुद लगा रहे, तौफिक भाई के थ्रू कोई तीसरा बंदा डिपॉजिट लेके भाड़े पे दिया हुआ है। कौन तौफिक, कौन, अब तौफिक मेरे को मालूम नहीं, इरशाद भाई को मालूम है, मेरे को मालूम नहीं, ये देखो अच्छा वो तौफिक कौन है, वो जो तीसरा है ना उसको भी बुलाना, हम लोग के सामने बुलाना, हम लोग भी सब मेंबर आए ना, बैठाने वाले यही है, बैठाने वाले यही है, लाने से पहले ये तय हुआ था कि भाई यहाँ पे जितने भी मतलब नगर सेवक मतलब नाम किसी का लेने नहीं, कि जो भी अपने को भाई इधर लाए यहाँ तक के पहुँचाए अपने को, उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा, मदद उनके भी तो उनके आदमियों को, मतलब उनको नहीं यार सॉरी, उनके आदमियों को भी एक आधा को जगह दिया गया, तो उनके आदमी धंधा लगाते इधर, हाँ धंधा लगाते हैं बाकायदा, चाहिए तौफीक नाम का बताया जा रहा है, कौन सा उनका साला, उनका साला है, उनका साला का क्या है, ये नहीं, ये आए लगा रही है, अभी कहीं गया, उनके साला लगाता है, कोई नहीं है, इसका साला, तौफीक का साला, भाई मेरे मौसी का साला, तौफीक का साला, चप्पल की भाजी, मेरे से भाजी लेके लगाया है वो, मेरे से भाजी खरीद के यहाँ पे लगाया है, बोलने का मतलब क्या, ये मेरे को क्या सवाल करे कि भाई दो साल हुआ मार्केट को आके, तुम दो साल तक किधर पे थे, तो मेरा भी सवाल है ना यूनियन से, 25 साल पहले मार्केट इधर पे थी तभी तौफीक भाई किधर थे, तभी ये फारूक भाई किधर पे थे, तभी इनकी जगह क्यों नहीं थी यहाँ पे, अरे जितना भी हुआ 20 साल हुआ या 5 साल हुआ तभी लोग किधर पे थे, तुम्हारी दुकान कहाँ थी एग्जैक्ट, मेरी दुकान ये आगे हमारी दुकान भाई 12 फीट की जगह थी, 12 फीट की, 12 फीट में यूनियन ने क्या की, 4 फीट कर बैठाने करी है, यूनियन ने करी आगे, यूनियन ने करी ना, यूनियन ने मेरी 12 फीट की, 4 4 फुट सबको बांट के दे चुका गया, पहले बात ना ये हिस्सा पूरा ना ताली और ये मैं हूं पापा भाई, ये पापा है, ये संभालता है लोग, आगे की जगह ना यूनियन ने
किसी को भी एक इंच कम नहीं करी वो ताली भाई। किसका नाम है यूनियन के अंदर, हर आदमी अपना अपना लेके बैठा है, मतलब पैसा मालूम है आगे भी मेरा है ना तो पीछे भी मेरा ही रहेगा, आप दूसरा किसको दे रहे। अच्छा आपका धंधा तो आगे पीछे साइड लगा है ना, लगा हुआ है, टिकट लगा हुआ है ना। मेरी बात मैं इनको पीछे भी चाहिए। मेरा मुद्दा क्या है कि जब तुम लोग तुमको जगह देना ही था, तुम लोग मित्तल में जब तुम इधर पे जब तौफीक भाई का इधर पे जब मार्केट आई थी तो तौफीक भाई किसका भी नहीं था जब इधर, ठीक है सब हम लोग का ही था इधर पे धंधा सब जगह का भी मार्केट उधर मित्तल पे आने के बाद तो ये जगह फिर यहाँ कहाँ से पैदा हुई, नए लोग मेंबर कहाँ से पैदा हुई यूनियन में। हेलो बात करो भाई, बात करो ओ इरशाद भाई। ये उनका कहना है कि पहले जो है ये लोग हॉकर्स यूनियन में नहीं थे तो अभी मार्केट से आने के बाद कैसे हुए? आज से ये लोग नहीं है वो कहाँ गए जिम्मेदार? हाँ इधर ही इधर है। आप लोग कब से जुड़े हैं? अच्छा कितने कितने मैं नहीं बताऊंगा, इनसे पूछ। आप लोग जो है यहाँ मार्केट जो है मित्तल से यहाँ आकर शिफ्ट होने के बाद कितने नगर सेवक के आदमी लोगों को दिए आप लोग? यहाँ पे मेरे ख्याल से खाली नगर सेवक ही नहीं है, जो समाज सेवक है उनको दिए। और भी जो जैसे हमारे भी रिलेशन में कुछ लोग हैं मैंने उनको भी दिया हूँ। नगर सेवकों को नहीं, उनके जो उनके आदमी लोग हैं वही लोग परेशान है, जगह दिया है जो पुराने लोग हैं उनको जगह कहाँ से मिली? जो पुराने लोग हैं पुराने लोग अभी इधर लगाया हूँ तो उधर से यहाँ तक के जहाँ तक जाएगा वो मेरा है। ये गलत बात है ना? जो या तो उसी टाइम पे उठाना चाहिए था ऑब्जेक्शन या तो नहीं उठाना चाहिए था, जब दिया गया तभी ऑब्जेक्शन। एक तरीका रखो ना सबके लिए, यूनियन एक तरीका एक समान सबको देखना होता है, फिर इसके लिए अलग उसके लिए अलग, ठीक है ना? तो फिर सबके लिए एक तरीका देखो ना, तो देना पड़ेगा ना वो बात। एक बात बोलूं, जब भी रमजान आता है ये मुद्दा कोई ना कोई नया कोई ना तो कोई एक नया मुद्दा लेकर इस मार्केट के अंदर आता है। मैं आज से नहीं आज 10 साल से मार्केट के अंदर नहीं देखती हूँ। तुम लोग साल भर पूरा सो जाते हो, एक मिनट आराम से बताओ, फिर बोलते हो एक मिनट सुनो आराम से बताओ, ये तौफीक जो बताया जा रहा है तौफीक नाम का सर है, तो क्या वो धंधा लगाते हैं यहाँ पर या नहीं? साला धंधा लगाता है इलियास नाम इलियास के नाम पे। क्या लगाते हैं? चप्पल लगाया भाजी मेरे से लेके लगाया। रामुद्दीन भाई कसम खुदाई की बता रहा 15-20 दिन से रोज पर्स लग रही है, रोज पर्स लग रहा है। अभी पर्स लग रहा है? अभी नहीं, अरे 15 दिन नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, मैं भी 15 इसका पैसा कोई वसूली करता है क्या? तौफीक भाई को आता है 200 रुपया दिन का, 200 रुपया तौफीक भाई को आता है। तुमने अपने मुँह से बोले खाला, तुमने अपने मुँह से बोले तौफीक भाई को 200 रुपया दिन का आता है। अरे बेटा मेरी बात सुनो, मेरा भी जगह है, सुन मेरी बात, मेरा धंधा लगता है, एक मिनट, मेरा धंधा लगता है। मैं अगर किसी दूसरे काम में रहती हूँ, मैं अरेंजमेंट नहीं कर पाती हूँ, तो मेरी जगह पर भी कोई आदमी माल लाता है, बैठता है, धंधा करता है, वो मुझे भाड़ा नहीं देता है न कुछ देता है। वो जो धंधा करता है कभी 250 कभी 200 देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भाड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि भाड़ा हो गया कि हम दोनों मिलकर के माल का पैसा दिया और भाई तू धंधा कर माल का पैसा मैं लगा रही हूँ। हाँ तो वो हमारा भाड़ा, मेरे को भी कभी 250 मिलता है, कभी 200 मिलता है, इरशाद भाई ऐसा नहीं होता है। जितने भी लाइन से सब हैं तो क्या राजीव हॉकर्स यूनियन में मेंबर हैं ये लोग सभी लोग? अभी ये लोग टेंपरेरी है, लोग इनको अभी हमने फिक्स नहीं, इधर पे जितने खड़े हैं ना हम लोग बात सुनो ना, लेकिन अंदर तू बैठेगा ना, ना तू बैठेगा अभी भाई अपने आराम से पहले इनको बोल लेने। तो अभी हम लोग ने मार्च के बाद ना जब हम ऑडिट करेंगे ना तो हम इंशाल्लाह इनको भी अपने यूनियन में ले लेंगे। अभी लिए नहीं, अभी बिलोक नहीं लिए। अच्छा इरशाद भाई ये बताइए, दो साल से ज्यादा वक्त हो गया है वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में, तो आप लोगों ने क्यों नहीं मेंबर बनाया अभी तक? बना लेना चाहिए ना, 2 साल से मेंबर नहीं, 2 साल कैसा है नहीं हुआ। 8 साल ना मार्च में ऑडिट हम लोग करते हैं, अगले मार्च में हम लोग ने ऑडिट नहीं कर पाए इसलिए वो थोड़ा टूट गई थी ना मार्केट टूटने की वजह से हम लोग लेकिन अभी क्या मेंबर बनाएंगे? मेंबर इंशाल्लाह बन चुके हैं, चलिए आप अध्यक्ष है राजू गांधी हॉकर्स यूनियन के, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मार्केट में कौन किसको जगह से हटा रहा है,
कौन किसको रख रहा है इस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए ना। आप इनका पर्सनली रहता है नहीं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है ना, जगह हमारी है, लेकिन इसका फैसला करने वाली यूनियन बनती है कि भाई किसको जगह देना है किसको नहीं देना है। नहीं तो यूनियन जगह इसीलिए होती है कि कौन उसमें क्या इंटरफेयर कर रहा है, उसमें नजर रखती है, फोन करे या मैसेज के थ्रू बताया नहीं आता है भाई मिल रही है, हमारा फायदा हो रहा है, हमको भाड़ा मिल रहा है तो बस खत्म, उठा के दे दो, बाद में ऐसे सबको मुद्दे उखड़ेंगे ना। जब तुम्हारे को पहले कुछ बताया नहीं जाता है कि भाई इसको जगह देने जा रहे हैं, तुम राजी हो नहीं हो, किस करने का, तो इनको इनकी जगह मिली है। अब इनका ऐसा कहना है कि इनकी जगह थी एक आदमी की, सुनिए एक आदमी की थी और उसमें चार लोगों को दे दिया गया। अगर ये इनकी जगह में ना, अगर इनकी जगह में बताया जा रहा चार लोगों को दिया गया, अगर हमने एक इंच भी इंटरफेयर किया होगा, सुबह आए थे एक इंच आए थे, कितना फुट जगह बताया, एक आदमी छोड़ दे, एक इंच में हो रहा हूँ ना, आगे की लाइन जो भी है ना, हमने किसी के भी जितना यूनियन में नाम था हमने क्या बोले भाई, आप लोग जितनी जिसकी जगह वैसे वैसे बैठ जाओ मित्तल में आने के बाद, ठीक है आपको मालूम है यहाँ पर क्या चीज का धंधा लगता है, क्या बोले जिसकी जैसी जगह मित्तल में उधर से आके ऐसा बैठ जाओ, तो तौफीक भाई किधर पे जगह थी मेरे पीछे, मेरे पीछे जगह थी क्या, मेरे को बात करने देगा, ठीक है भाई बात नहीं थी ना, तो फिर पीछे क्यों क्यों बैठे, रुकना अभी मेरे को बात करना, सुनो अभी यहाँ पे आपको भी मालूम है कंडीशन सबकी खराब है, तो किसी के पास इतनी मूडी नहीं है, अभी कोई उनसे भाजी लेता है, कोई उनसे जो सामान जो मिल जाता है वो लाके यहाँ पे बेचता है, किसी पास मूडी है नहीं भाई, जब से कोरोना काल गया है हर आदमी का हालत स्थिति खराब है, तो जो जहाँ पे माल जिससे मिल जाता है वो आदमी लाके बेच लेता है, जिसके पास पैसा है वो अपना मूडी लाके बेचता है, और जिसके पास नहीं है तो कभी आपसे क्या आप बेच रहे उनसे ले लिए, कभी उनसे ले लिए, तो आदमी अपना कैसा भी परिवार कौन से कंडीशन चला रहा है वो उसको मालूम है, उसके अल्लाह को मालूम है। तो अभी इनके जगह का क्या है, अभी इनके जगह का खुद बैठे हुए हैं, ये खुद दिए हुए हैं, दूसरा कोई इनके जगह पे धंधा लगा रहा है, इनके जगह भाड़ा तो मैं, अच्छा ठीक है, ये कबूल लेना कि मेरे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन कैमरा, तो मेरा बोलने का मतलब जब यूनियन बनी है तो मैं मेरा मुद्दा किसके पास लेके जाऊँ, ये बोलने कि आपने अपनी यूनियन बनी है तो यूनियन बनी क्यों है, इंसाफ दिलाने, इनका इनका कहना कि आपने भाड़े पे दिया है खुद, नहीं तो यूनियन बनी क्यों है, इंसाफ दिलाने, यूनियन का मतलब क्या कि भाई यूनियन का कुछ मार्केट का प्रॉब्लम है तो इंसान यूनियन के पास जाए, तो यूनियन का मतलब हल करने के बजाय आपने भाड़े पे लिया, इनसे भाड़े पे लिया, भाड़ा यहाँ पे अच्छे अच्छे खा रहे वो खाए तो क्या हुआ, पूरी मार्केट खा रही भाड़ा, पूरी मार्केटों में 200-400 रुपए भाड़ा ले रहे, उसका क्या है, उसका दूसरे दूसरे लोग भी ले रहे, 400-400 रुपए भाड़ा खा रहे, वो सब बात खत्म कर, भाड़े की बात मत डालो, 400 रुपए भाड़ा कौन ले रहा है, 20 साल से ले रहा है, 400 रुपए भाड़ा कौन ले रहा है, 60 रुपए भाड़े से लेके रखा, भाड़े की मत डालो, 60 रुपए से मैं भाड़ा भी जगह लेके रखा, आज भी दुनिया ले रहे हैं 200-300 मेरे से, खाली 100 रुपए ले रहे हैं, अभी 60 रुपए दे रखा मेरे से, अभी 100-150 दुनिया 300 ले रहे हैं, पूछो ना 4 रुपए कौन भाड़ा ले रहा है, मेरी बात सुनो ना, अच्छा वो खाला एक मिनट सुनो ना मेरी बात, ठीक है एक मिनट, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ, सवाल पहले सुनो, इसकी जगह के ऊपर से बवाल है, वो आदमी किधर है, कहाँ है वो आदमी, इरशाद भाई वो आदमी कहाँ पे है, इनके साइड से इन लोग क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे जगह का, फारूक भाई के नाम पे ना, तो फारूक भाई किधर है, फारूक भाई किधर है, ये जगह के लिए जो जिसको दिया हुआ जो भाड़ा खा रहे वो बोले हुए ना, वो खाला क्यों बोल रहे हैं, फिर वो दूसरा आपा क्यों बोल रहे हैं, आपको इन्होंने यूनियन के इरशाद भाई ने दिया है, किसने दिया है, किसने बिठाया, धंधा लगा रहा हूँ, अच्छा किसने बिठाया, एक मिनट बोलने दो ना उनको भाई, बोलने दो ना, मैंने बैठाया, पार्ट में था धंधा हमारा, मैंने बैठाया, दूसरे का हाथ मार के दूसरे की जगह से एडजस्टमेंट करा देने का, बस अरे मैं पूछ रहा हूँ आपको किसने बिठाया, इरशाद भाई ने बिठाया, और किसने बिठाया, लेता हूँ तुमसे एक रुपया भी नहीं, मैं तो यहाँ एक रुपया भी अगर लिया हो तो हराम में पूछो, एक रुपया भी नहीं लेते मेरे से, खिलौने वाले को बुलाओ, खिलौने वाला 3-4 दिन पहले मुद्दा उठा था, 3-4 दिन पहले, खिलौने वाले पूछो, खिलौने वाले किसको भाड़ा देता होता है, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, अभी ऑन कैमरा बोलते हैं कि इरशाद भाई को भाड़ा देता है, अभी इरशाद भाई का कहना सुनिए भाई, एक मिनट रुकिए, इरशाद भाई का कहना है कि आपने भी अपनी जगह जो है भाड़े पे दे दिया है, उनसे भी भाड़ा ले रहे हैं 300-400 रुपया, सही है बात, सुनो ना 400 रुपया कितना, 400 रुपया वो बोल रहे कि 400-400 रुपए भाड़ा लोग खा रहे, सुनो 400-400 रुपए लोग खा रहे, वो बोल रहे हो, मैं रुको
सौ रुपए कोई बड़ी बात नहीं, आज के माहौल में सौ रुपए भाड़ा दे रहा है, 25 साल कौन सा कौन भाड़ा दे रहा है, दुनिया खा रही, मैं किसका नाम नहीं, नाम तो बता ना, मैं किसका दुनिया का बोले तो दुनिया में सब आ गए, आप भी आ गए, हम भी आ गए, 1000 रुपए ले रहा है, ये गलत बात है, ये है 100 50 पैसा। सुनो इस्लामुद्दीन भाई, जितना उधक रहे ना, जितना बोल रहे ना, वो सिर्फ बोल इस वजह से रहे क्योंकि यूनियन पहले अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी चेहरे दिख रहे सबका फोटो है, उन लोग को बोलना है, उन लोग नहीं बोलेंगे ना तो उन लोग का समझ रहे ना, क्या बोलो भी आपको भाई, चलो ठीक है जिम्मेदार ये है और वो भाभी है, इससे पूछो कौन से बेस पे अपने यहाँ पे बात है और क्या बात है, और हमने एक पेट लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, देखो जा रहे, देखो यूनियन से जा रहा अच्छा खासा, तभी इन यूनियन का सपोर्ट ले रहे, यूनियन बोलेगी रात को सुबह तो सुबह बोलेंगे, यूनियन बोलेगी रात को शाम तो शाम बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, अरे देखो उबुल रहे तो तुम समझ जाओ ऑन कैमरा, हमारे घर में कोई मरने नहीं कमाने वाला, तो धंधा तो हम ही लगाएंगे, इन लोगों का क्या मसला है, आप क्यों नहीं हल करके दे देते, क्या इन लोगों का मसला है, आप हल कर दीजिए ना, असल में ना इंसान के जब मित्तल में थे ना सब एकदम ठंडे बैठे हुए थे, मैं आखिरी बात करूंगा, आखिरी बात क्या है कि मैं मेरी जगह लेके मेरे बाप का हक में लेके रहूंगा, फिर वो यूनियन का मसला है, जिसने यूनियन को, यूनियन ने जिसको जगह दी वो जाके यूनियन को पकड़े, ये जगह मैंने नहीं दिया किसी को, ठीक है, कोई इतना दयावान नहीं के लिए भाई, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरी जगह है, जाके ले करके, ठीक है ना, तो मैं लास्ट बात बोलते जा रहा हूँ कि जो भी जगह है मैं उस पर कल से मेरा धंधा लगेगा, जाके वो यूनियन को पकड़े, मेरा गिरेबान तक कोई नहीं आना चाहिए, मेरा कल से जो यहाँ पर विवाद चल रहा है जगह को लेकर, उसको किस तरह से आप हल करेंगे, जिस तरह से वो अरबाज नाम का शख्स जो बोल रहा है कि वो जगह उसकी है, मतलब यहाँ पे कैसा है मालूम है, यूनियन में जिसका इसका नाम है वो सबको दे दिया गया है, आगे के लाइन में ना हमने किसको इंटरफेयर किया, ये जिम्मेदारी यहाँ का, इससे पूछो जिसका नाम यूनियन के अंदर है उसकी हर आदमी अपना अपना जगह, वो अपने अपने जगह पे बैठा हुआ है, ये जो पीछे की लाइन है ना, और जिसकी नहीं भी है उसको भी मिली है, समझिए जिसकी जगह है टोटल यहाँ पे सबको मिली है, सबके आई कार्ड वाई कार्ड सब बने ले, फॉर्म वीम सब भरे गए ले, और जिसकी नहीं भी जगह गरीब लोग को उनको भी दिया गया है, समझिए एक्स्ट्रा जगह निकाले, ये लाइन जो है ना एक्स्ट्रा मिल गया लाइन है, अभी जिसकी नहीं है जगह कोई आगे लाए भाई इसका उसका, हमारे को जगह दो, गरीब है, लहसुन वाला है, केले वाला है, उत्पाद वाले आगे वाले जो लाइन लगती थी उनको एडजस्ट करा गया, करा के दिया गया यहाँ, और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सलामुद्दीन भाई, देखो हमारी भी जगह बहुत सालों से यहाँ पर है, जब हम मित्तल से यहाँ पर आए थे तो हमको पहले ये पहले अजवा के पास जिम्मेदार इंसान ये, इसके बाद में इरशाद भाई है, तो इन्होंने हमको पहले पूछा कि तुमको आगे की जगह चाहिए कि पीछे की, तो हमको आगे की अच्छी लगी, हमने पीछे की छोड़ दिए, आगे की ले लिए, वैसे इसकी भी यहाँ पर जगह है, इसको भी पहले पूछा गया था कि तुझे आगे की जगह चाहिए कि पीछे की, तो इसने बोला कुछ जगह मुझे पीछे चाहिए और कुछ जगह आगे चाहिए, तो जो आगे लिया उसने पीछे की जगह छोड़ दिया, जो पीछे लिया वो आगे की जगह छोड़ दिया, लेकिन तुम बोलोगे हमको दोनों जगह से जगह दे दो तो ऐसा नहीं होगा, फिर हम लोग भी बोलेंगे कि हमको भी आगे दो, आदमी जगह मांग रहा तो तीन कहाँ से यूनियन देगी, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, बाकी लोग धंधे करने वाले आएगी नहीं, तो उनको भी देना है कि नहीं देना है,